Morning children, today we are going to start with the topic of chapter Constitutional Design of Civics class 9 Making of the Indian Constitution. Okay, earlier we have talked about the South African Constitution. Now we will read about the making of the Indian Constitution. ठीक है, तो Indian Constitution that was also drawn up under the difficult circumstances. तो क्योंकि इतना ह्यूज इतनी डाइवर्स कंट्री थी हमारी इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इट वाज नॉट एन इजी अफेयर. ठीक है, तो कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. अगर आपको पता है कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए थे, तो रिलीजियस डिफरेंसेस पे जो पार्टीशन हो सकता था, और ये बड़ा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, इंडिया एज वेल एज़ पाकिस्तान के लिए. तो ये ब्रिटिशर्स ने जो ये जो डिसीजन था एक्चुअली वो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके रूलर्स के ऊपर छोड़ दिया था कि क्या वो कि वेदर वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर कोई उनको सप्रेस नहीं किया गया, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला गया. उनको बोल दिया गया कि अगर आप जहाँ पर भी रहना चाहते हो, जिस तरफ रहना चाहते हो, इधर इंडिया और पाकिस्तान, और इफ़ दे वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट दे कैन दिस इज़ देयर ओन चॉइस. तो ये उन्होंने बोल दिया था. अब आप साइड में पढ़ लेते हैं बेटा, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल. ठीक है, ये गुजरात में बॉर्न थे, होम मिनिस्टर ऑफ होम थे, एज वेल एज होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट. ये जो गवर्नमेंट बनी थी आफ्टर द पार्टीशन, उसमें ये होम मिनिस्टर बने एज वेल एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने. ये लॉयर थे और बरदोली पेजेंट के लीडर थे. सत्याग्रह जो बरदोली पेजेंट का सत्याग्रह इन्होंने चलाया था, उसके लीडर थे. और बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इकट्ठा करने के लिए. ठीक है, तो उन सबको इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा रोल है. बाद में इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया. आगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. तो ये जो मर्जर था प्रिंसली स्टेट्स का बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो तब हमारे द फ्यूचर ऑफ़ द कंट्री डिड नॉट लुक जितना आज ऐसा नहीं दिख रहा जैसा आज के टाइम में हमारा फ्यूचर दिख रहा है. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनको बहुत परेशानियां थी, उनको बहुत बेचैनी थी कि जो प्रेजेंट जो है हमारा कंट्री अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ़ द कंट्री, कि क्या हमारे फ्यूचर हमारे कंट्री का क्या रहेगा. ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अबुल कलाम आज़ाद के लिए, उनके बारे में पढ़ लेते हैं. तो इनका टाइम पीरियड 1888 से 1958 का था. ये सऊदी अरेबिया में इनका बर्थ हुआ था. ये एक एजुकेशनिस्ट ऑथर और थियोलॉजियन थे. ये अरेबिक के स्कॉलर थे, कांग्रेस लीडर थे, और इन्होंने नेशनल मूवमेंट पे बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया था. इन्होंने मुस्लिम जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थी उसको अपोज किया था. वो नहीं चाहते थे कि जो मुस्लिम है सेपरेट कंट्री बने. बाद में एजुकेशन मिनिस्टर जो बने, ये फर्स्ट इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट, पहले जो यूनियन कैबिनेट थी उसके ये एजुकेशन मिनिस्टर बने. उसके बाद पढ़ लेते हैं हम टीटी कृष्णामाचारी. तो ये तमिलनाडु में बॉर्न थे. 1899 से लेकर 1974 का टाइम पीरियड है. ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये एंटरप्रेन्योर थे, मतलब बिजनेसमैन थे, एंड कांग्रेस लीडर थे. बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने यूनियन कैबिनेट के. अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, द पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो कंसेंसस था हमारा, देखो अब इतनी सारी डिफ़िकल्टीज तो थी, लेकिन एक बड़ा बहुत बड़ा एडवांटेज भी था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के लिए, कि साउथ अफ्रीका की तरह उनको किसी की एग्रीमेंट नहीं लेना पड़ा था. ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका के लोगों को एग्रीमेंट लेना पड़ा था कि वाइट्स और वाइट्स को अलग उनसे एग्रीमेंट लेना पड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था इंडिया में, कि उनको पहले ही पता था कि किस तरह का उनका डेमोक्रेटिक इंडिया होगा. ये ऑलरेडी जो है इंडियंस को ऑलरेडी पहले से ही पता था, क्योंकि देश की आज़ादी के टाइम पे या ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनको काफ़ी सारी नॉलेज ऑलरेडी मिल चुकी थी. ठीक है, तो देवर डिफरेंट व्यूज़ थे इनके रिगार्डिंग व्हाट पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो अलग अलग व्यूज़ थे कि इंडिपेंडेंस के बाद
क्या क्या उनको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, बट जो बेसिक आइडियाज़ था वो सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। बेसिक आइडियाज़ था वो बड़े पाइवोटल था। पाइवोटल मीन्स बहुत ही क्रूशियल इम्पोर्टेंस था कि डेवलपमेंट के लिए, मेनली जो किसके लिए वो बेसिक उनका था फोकस डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो उनका बेसिक आइडिया बिल्कुल क्लियर था कि उनको डेवलपमेंट करना है अपने इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेवलपमेंट के लिए किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए ये उनको बिल्कुल क्लियर था। तो यही सारा है इस पैराग्राफ में कि एज़ फार बैक 1928 में अगर जाते हैं तो ये डिस्कशन हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के 1928 में, जो मोतीलाल नेहरू थे और उनके साथ 8 कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था इंडिया का। उन्होंने इन 1931 एक कराची में रेजोल्यूशन, एक कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन हुआ था जिसमें किसका हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि किस तरह का जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इसके बारे में ये सेशन था। तो दोन बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उन्होंने जो भी इनका कराची सेशन में जो भी डिसीजन हुआ वो उसमें यही टॉपिक थे, वो टॉपिक्स यही थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिलने चाहिए, है ना, ये सब डिस्कस होना चाहिए, कुछ बेसिक रूल्स भी एक्सेप्ट होने चाहिए ऑल लीडर्स के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले, ठीक है, मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन सब चीज़ों से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जानी चाहिए थी, ठीक है। बेसिक रूल्स वर एक्सेप्टेड बाई ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी बेसिक रूल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होने से पहले ये सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड कर चुके थे। अब बात नेक्स्ट आ जाता आपका उनका पैराग्राफ में इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन कह सकते हो आप इसको, द फेमिलियरिटी जो थी विद द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डिवेल्प एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, किस तरह का डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस, ये जो हमारी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए। तो 1937 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है जो लॉज बनाती है, जो मतलब जो चेंज भी हो किया जा सकते हैं, ठीक है, उनको अगर उनको रिपील भी किया जा सकता था इस तरह की, मतलब एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर क्या हो गया, लॉ मेकिंग बॉडी, प्रोविंशियल मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो 1937 में जो इलेक्शंस थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए और मिनिस्ट्रीज़ के, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में हुए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजन फ्रॉम कॉलोनियल लॉज, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट करी जो कॉलोनियल लॉज से उन्होंने ऑलरेडी सीख चुके थे, ठीक है। तो जैसे कि आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला, ये जो इन जो था ये उस ब्रिटिशर से लिया गया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कशंस जो हमारे लीडर्स थे उनको अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाउ दे विल लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन देयर ओन टर्म्स, ठीक है। तो इतने सारे डिस्कशंस के बाद जो हमारे लीडर्स थे उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका था कि बाकी कंट्रीज़ को देख देख के कि उनको मतलब उनके उनसे सीख लिया था, लेकिन उन्होंने अपने ही टर्म्स में, ये नहीं कि उनको जैसा उन्होंने बोला एज इट इज़ उन्होंने उसको स्टिक कर दिया, उन्होंने उसके लिए खुद अपने लिए भी सोचा इस बारे में और उसको अप्लाई किया, ठीक है। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उनके आइडियल से इंस्पायर्ड थे, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था रशिया में हुआ था उससे इंस्पायर्ड थे, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में थी उनसे इंस्पायर्ड थे, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के बिल ऑफ राइट्स थे उनसे इंस्पायर्ड थे। मीन्स उन सब लोगों से इंस्पिरेशन लिया, लेकिन उन्होंने उनको एग्जैक्टली वैसे फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज़ को फॉलो किया। आगे आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। अब देखा जाता है कि कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स, ठीक है। तो
एक ब्रीफ स्केच मिल जाएगा आपको जिन्होंने उन लीडर्स के बारे में जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो एक ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव। ठीक है, तो एक मतलब जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये किसने किया था? एक रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने किया था, जिसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इलेक्टेड एक कमेटी थी जिन्होंने ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राफ्ट किया था। तो ये जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये जुलाई 1946 में हुए थे और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 1946 दिसंबर में हुई थी। और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो असेंबली थी वो भी डिवाइड हो गई थी इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली ऑफ इंडिया एज वेल एज़ पाकिस्तान। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो 299 मेंबर्स थे। ठीक है, तो नियर अबाउट 300 मेंबर्स थे जिसमें से 299 मेंबर्स जो थे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे और बाकी के मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तानी थे। तो उनको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए उधर भेज दिया गया था। तो जो असेंबली थी उसने अडॉप्ट कब किया ये कॉन्स्टिट्यूशन? ऑन 26, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो बेटा ये सब लाइंस जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। तो असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, और ये लेकिन इफ़ेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। अब ये जो दिन है इसको रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। इनका टाइम पीरियड 1884 से लेकर 1963 का है। ये बिहार में बॉर्न हुए थे और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये लॉयर थे और ये चंपारण जो सत्याग्रह था उसमें जो इनका रोल था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं ये। और ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने, बाद में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। आगे पढ़ लेते हैं हम जयपाल सिंह के बारे में। जयपाल सिंह जो है 1903 से लेकर 1970 का पीरियड है। ये झारखंड में बॉर्न हुए थे और एक स्पोर्ट्समैन थे और एजुकेशनिस्ट थे। ये नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन थे, फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन थे और ये आदिवासी महासभा के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। बाद में ये झारखंड पार्टी के फाउंडर बने। उसके बाद पढ़ लेते हैं एचसी मुखर्जी के बारे में। इनका टाइम पीरियड 1887 से 1956 था। ये बंगाल में बॉर्न हुए थे। ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और बहुत ही अच्छे रिप्यूटेड ऑथर एज वेल एज एजुकेशनिस्ट थे और कांग्रेस लीडर रहे थे ये। और ही वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। बाद में ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच वी हैव लेफ्ट। तो वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 6 डेज एगो, कि 6 दशक
निकलने के बाद हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्यों हमें अडॉप्ट करना चाहिए, तो ये इसमें हम पढ़ते हैं लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन और बट इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस, कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, ब्रॉड एग्रीमेंट ऑफ द टाइम इट ओरिजिनेटेड। तो मतलब कुछ मेंबर्स ने ही नहीं मिलके इसको बनाया है, ये उस समय के जो बहुत सारे लोगों का जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस करता है। कई सालों तक कई ग्रुप्स जो थे कुछ उन्होंने कुछ दे हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन इट्स लेजिटिमेसी, ठीक है। कई सालों तक बहुत सारे ग्रुप्स ने कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ प्रोविजंस जो हैं उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया, लेकिन किसी भी लार्ज सोशल ग्रुप ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा रीज़न, एक तो ये रीज़न होगा कि किसी ने इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, और ये किसी पहला रीज़न तो ये हो गया कि किसी एक कुछ मेंबर्स के व्यूज़ ही नहीं है, ये ब्रॉडर एक्सप्रेशन हैं लोगों के। दूसरी बात होगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सोशल ग्रुप ने इसको इसकी लेजिटिमेसी का क्वेश्चन नहीं किया आज तक। तीसरा रीज़न हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये हमारे पूरे इंडियन जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये इट कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल, सर डायरेक्टली इसको कोई चूज़ नहीं करता है क्योंकि एज देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। ये इसलिए ये एक रीज़न भी हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, इट कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल एज देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये एक थर्ड रीज़न हो गया। फोर्थ रीज़न हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इलेक्ट इट वॉज इलेक्टेड बाई द मेम्बर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उस समय के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उन्होंने उसको इलेक्ट किया था, और जिससे पता चलता है कि फेयर ज्योग्राफिकल शेयर किया जाएगा, शेयर होगा मेंबर्स का, मतलब इसमें सब रिलीजन के जो हमारी कंट्री के अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं वो सारे इसमें इसमें मेंबर्स हैं और उसमें उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे चलते हैं इस वाले में, इलेक्टेड द मेनली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये भी हो गया हमारा। दिस इंश्योर दैट फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन, ओके, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो असेंबली है वो उसको कौन डोमिनेट करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी है कि वो पार्टी जो जिसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में हमेशा आगे रही है। बट कांग्रेस अपने आप में ही इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पोलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन, ठीक है। तो इसलिए असेंबली के अंदर बहुत सारे मेम्बर्स हैं जो नहीं एग्री करते थे और कांग्रेस के साथ, तो इन सोशल टर्म्स के भी, तो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशंस की वजह से, अगर इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, ठीक है। चाहे कह रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट हुई थी, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन इतना डिफर नहीं करता है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने पूरी पवित्रता से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है। उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक और ओपनली और कंसेंशुअल में सबसे एग्रीमेंट म्यूचुअल कॉन्सेंट मैनर से इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करा है, ठीक है।
और इसमें अलग अलग मैम अलग अलग जो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स या कास्ट क्लासेस रिलीजन्स और ऑक्यूपेशन के जो उन मेंबर्स को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ये हमारी होगी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे आ जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो इस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है वो हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंडर थी, उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। अच्छा, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, मतलब उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपरेशन की थी ताकि डिस्कशन भी हो सके इस बारे में। जो डिस्कशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्लॉज बाय क्लॉज हुआ। क्लॉज बाय क्लॉज मतलब हो गया कि हर सेक्शन डॉक्यूमेंट का हर सेक्शन के ऊपर बातचीत हुई। ठीक है, टुक प्लेस क्लॉज आफ्टर क्लॉज। जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने अपना जो काम था 114 डेज में कंप्लीट किया, जो कि नियर अबाउट 3 ईयर्स पे स्प्रेड हो जाता है। और मोर देन 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, 2000 से भी ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसमें हुए हैं। हर एक डॉक्यूमेंट जो है एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, कि जो भी डॉक्यूमेंट जो हमारा प्रेजेंट किया गया है उसमें जो भी उसके बारे में वर्ड बोला जाता है वो सारा उसको रिकॉर्ड किया गया है, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिंटेड है। और ये जो डिबेट्स हैं ये हमें रीजंस देते हैं कि क्या रीज़न देते हैं, बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हर एक प्रोविजन के बारे में हर एक उसके रीज़न देते हैं, एज वेल एज़ हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है उसको इंटरप्रेट करने में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, आगे आपके आ जाता है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम नेक्स्ट टॉपिक उसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे।